हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो से बात कर रहे हैं लगातार ऑल इन वन डेस्कटॉप पीसी के बारे में, और आज के इस वीडियो में भी हम लोग बात करेंगे ऑल इन वन पीसी के ही बारे में। बस फर्क इतना होगा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था सिर्फ डेल ब्रांड के बारे में, और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एचपी ऑल इन वन डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ऑल इन वन डेस्कटॉप, अगर आप जो है परेशान हो रखे हैं सारे वायर कनेक्टिविटी को लेकर के और काफ़ी तंग आ गए हैं, कभी वीजीए केबल छोड़ रहा है, कभी कोई केबल छोड़ रहा है, और सारे वायर मैनेजमेंट से आप परेशान हैं, तो आप जो है अपने ऑफिस या फिर अपने होम के लिए ऑल इन वन डेस्कटॉप पीसी यूज़ करें। ये बहुत ही बेहतर ऑप्शन है हम सभी के लिए, आपके लिए। तो चलिए हम बात करते हैं कि एचपी के अंदर कौन कौन से डेस्कटॉप कंप्यूटर ऑल इन वन में है बेहतर प्राइस में, उनका प्राइसेस क्या क्या हैं, हम कौन से डेस्कटॉप पीसी ऑल इन वन में अपने लिए हम बाय कर सकते हैं, ये आप लोग बेहतर तरीके से जान पाएंगे। ये प्रॉपर तरीके से समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में मास्टर बनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना भूलें, जिससे क्या होगा कि हमारी हर नई वीडियो की अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सबसे सस्ते ऑल इन वन पीसी के बारे में एचपी का, जो ये मॉडल हो सकता है आपके लिए, जिसका प्राइस है 21,500 रुपये मात्र, जिसके अंदर बिल्कुल ऑल इन वन। अगर आप वायरलेस कीबोर्ड माउस लगाते हैं तो सिर्फ एक जो है डेस्कटॉप के लिए एक पावर केबल लगेगा, उसके बाद आपको किसी भी वायर को लगाने की जरूरत नहीं है, और आपके पास बिल्कुल डेस्कटॉप पीसी होगा, बिल्कुल कंप्लीट, जिसके अंदर आपको कुछ भी इधर उधर नहीं करना है, यानी कि मॉनिटर के अंदर ही आपका डेस्कटॉप पीसी है, कंप्लीट सीपीयू मॉनिटर के अंदर ही है। तो इसका स्क्रीन साइज होगा 19.5 इंच, इसके अंदर जो सीपीयू लगा है वो सेलेरॉन J3060 लगा हुआ है, जिसकी स्पीड है 1.6 गीगाहर्ट्ज़। चूंकि ये प्राइस में काफ़ी कम है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सीपीयू बेहतर हो सकता है। रैम इसके अंदर 4GB DDR3 लगा हुआ है, और हार्ड डिस्क जो है 1TB 7200 RPM की लगी हुई है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर डॉस होगा, यानी कि आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होगा। ब्लूटूथ वाईफाई से बिल्कुल लेस है, वारंटी इसकी 1 ईयर होगी, कीबोर्ड माउस इसके साथ में मिलेगा। तो अगर आप जो है एक बजट पीसी अपने घर के लिए, अपने बच्चे के लिए, या फिर एक नॉर्मल वर्क के लिए अगर आप बाय करना चाहते हैं और एचपी ब्रांड में ही बाय करना चाहते हैं, तो आप इसे ले सकते हैं। और उसके बाद जो है प्राइस यही होगा, क्योंकि ये सेलरॉन इंटेल है। और अगर आपको एएमडी चाहिए, एएमडी की खास बात विशेषताएं जो है अगर आप नहीं जानते हैं, उस पर भी एक डिफरेंसेस की मैंने वीडियो बना रखा है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं कि एएमडी प्रोसेसर और इंटेल प्रोसेसर में क्या डिफरेंसेस होता है। तो अगर आप एएमडी लेना चाहते हैं तो एएमडी में जो है ये बेहतर हो सकता है आपके लिए, क्योंकि जैसे कि बताया जाता है, अगर कंपैरिजन किया जाता है प्राइस के अकॉर्डिंग, अगर सेम प्राइस में एएमडी और इंटेल अगर आप लेते हैं, तो जैसा कि मैंने अपने वीडियो में भी बताया हुआ है कि अगर प्राइस दोनों का सेम है तो कहीं ना कहीं एएमडी स्पीड में इंटेल से फास्ट होगा। रीज़न उसका ये है कि उसी प्राइस में, चूंकि एएमडी सस्ता होता है, तो अगर दोनों की प्राइस सेम हुई तो जो एएमडी है उसका स्पीड आपको ज्यादा मिलेगा। तो यहां पर AMD E2 7110 1.8 गीगाहर्ट्ज में आपको मिल जाएगा, 19.5 इंच स्क्रीन वही है, प्राइस वही है 21,500, और इसके अंदर रैम जो है 4GB DDR3 लगा हुआ है, हार्ड डिस्क बिल्कुल वही है 1TB 7200 RPM वाली, और ऑपरेटिंग सिस्टम आपको विंडोज इसके अंदर भी इंस्टॉल करना होगा, वाईफाई ब्लूटूथ इसके अंदर भी आपको मिलेगा, वारंटी 1 ईयर की इसके अंदर भी है, कीबोर्ड माउस इसके साथ मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं 19.5 इंच स्क्रीन में ही 28,000 रुपए के रेंज में ये मिलेगा। इसमें जो सीपीयू होगा वो पेंटियम होगा, पेंटियम J3710, जिसकी स्पीड होगी 1.6 गीगाहर्ट्ज़, यानी कि अगर आप उससे थोड़ा सा ऊपर जाना चाहते हैं तो आप ये जो है ऑल इन वन पीसी बाय कर सकते हैं। इसके अंदर रैम जो लगेगा 4GB DDR3 ही है, और हार्ड डिस्क जो है 1TB 7200 RPM वाली ही है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर भी आपको इंस्टॉल करना होगा, वाईफाई ब्लूटूथ सब कुछ इसके अंदर भी है, वारंटी इसकी 1 ईयर ही है, और कीबोर्ड माउस इसके साथ भी मिलेगा। तो अगर आप थोड़ा सा
ऊपर उठ करके लेना चाहते हैं यानी पेंटियम में जाना चाहते हैं तो आप ये बाय कर सकते हैं। इसकी स्पीड जो है आपको नॉर्मल एक बेहतर मिल सकती है, जैसे आप एक नॉर्मल फोटोशॉप कोरल ड्रा वगैरह चलाते हैं, दुकान पे थोड़ा ऑनलाइन वगैरह वर्क करते हैं तो आपके लिए बेहतर हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं i3 में। स्क्रीन यहाँ पर बड़ी हो जाएगी थोड़ी सी, 21.5 इंच की स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी और इसका प्राइस आपको मिल जाएगा 37,700 रुपये में। और i3 3700U 2.4 GHz की इसके अंदर CPU मिलेगा, RAM 4GB DDR4 मिलेगा, हार्ड डिस्क 1TB 7200 RPM और इसके अंदर भी आपको विंडोज इंस्टॉल करना होगा। तो i3 में अगर आप लेना चाहते हैं HP में ऑल इन वन तो आप ये PC बाय कर सकते हैं 37,700 रुपये में, एक बेहतर ऑप्शन आपको मिल जा रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे i3 के अंदर ही सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम होगा, स्क्रीन साइज भी वही है, CPU भी वही है, RAM हार्ड डिस्क सब कुछ वही है जो ये आपने देखा 37,700 में। और ये जो PC है सब कुछ वही होगा, मॉडल भी वही होगा, 44,000 रुपये में ये मिलेगा आपको। इसके अंदर सिर्फ आपको मिलेगा विंडोज 10 होम जेन्युइन आपको इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिलेगा। तो यहां पर जो प्राइस बढ़ रहा है वो सिर्फ विंडोज का बढ़ रहा है, तो अगर आपको विंडोज नहीं लेना है, अगर आप डॉस में लेना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम होगा। और अगर आपको जो है विंडोज जेन्युइन के साथ लेना है तो आपको ये बाय करना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं i5 की। स्क्रीन साइज वही है 21.5 इंच, एक ये बेहतर साइज होता है जो नियर अबाउट 22 इंच के नाम से जाना जाता है। 22 इंच लेने के लिए जाएंगे जब HP का तो यही साइज आएगा और ये बहुत ही बड़ी साइज होती है, बहुत अच्छा साइज होता है जो आपको वर्क करने के लिए, कोई भी एडिटिंग्स वगैरह करने के लिए, फोटोशॉप वगैरह पे वर्क करने के लिए, कोई भी ग्राफिक डिज़ाइन करने के लिए बहुत ही बेहतर साइज मिलता है ये। तो आप इस साइज के अंदर अगर आप लेते हैं तो आप एक बहुत ही बेहतर डेस्कटॉप जो है बाय कर पाएंगे। तो i5 के अंदर ये 52,000 रुपये का ऑल इन वन PC है और इसके अंदर जो CPU लगा हुआ है वो है i5 7500U और इसकी जो स्पीड है 2.5 GHz, RAM 4GB DDR4 लगा हुआ है, हार्ड डिस्क 1TB 7200 RPM वाली ही लगी हुई है और इसके अंदर भी आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंस्टॉल करना होगा, बाकी सब कुछ सेम है। और इसके अंदर एक बड़ा बेनिफिट ये है कि इसकी वारंटी 3 ईयर की मिलेगी आपको। तो i5 के साथ अगर जाना है आपको, i5 में अगर आपको ऑल इन वन बाय करना है HP का तो आप ये PC जो है बाय कर सकते हैं। उसके बाद जो हम बात करते हैं i5 में ही बिल्कुल सब कुछ सेम होगा, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर जो भी कॉन्फ़िगरेशन है 52,000 रुपये में सब कुछ वही कॉन्फ़िगरेशन, CPU, RAM, हार्ड डिस्क ड्राइव सब कुछ वही है, सिर्फ यहाँ पर विंडोज होम जेन्युइन आपको मिलेगा। तो विंडोज का यहाँ पर भी प्राइस जो है आपको बढ़ जा रहा है, करीब 6,000 रुपये आपको बढ़ करके मिलेगा, ये सिर्फ जो है विंडोज का प्राइस यहाँ पर इंक्लूड हो रहा है। तो अगर आपको विंडोज लेना है, विंडोज के साथ PC चाहिए जेन्युइन के साथ, तो आप ये बाय कर सकते हैं। अलग से अगर आप विंडोज परचेस करेंगे तो आपको 1-2,000 रुपये ज्यादा देना पड़ेगा। तो अगर जेन्युइन विंडोज लेना है तो आप ये PC बाय कर सकते हैं। अगर डॉस के साथ PC लेना है तो आप जो पिछला वर्जन ये 52,000 रुपये का आप ये ले सकते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं i5 में ही जो ये हम कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं i5 में, ये 52,000 का या 58,000 जिसके अंदर इंक्लूड हुआ आपका विंडोज 10 होम और वही सब कुछ सेम कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर। और इसके अंदर स्पेशल क्या होगा कि 24 इंच स्क्रीन में मिलेगा, स्क्रीन साइज बहुत बड़ी हो गई, 24 इंच स्क्रीन आप देख सकते हैं, आप जान सकते हैं कि वो कितनी बड़ी हो सकती है, आप एक महसूस कर सकते हैं। और इसके अंदर स्पेशल एक और है कि 2GB ग्राफिक कार्ड भी इसके अंदर इंक्लूड है और इसका प्राइस है 68,600 रुपये अमेजोन पे आज के रेट में आ रहा है। तो सभी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, अगर और डिटेल्स आपको चाहिए तो आप लिंक पर जा करके आप पूरी डिटेल्स देख सकते हैं और अगर बाय करना है तो आप वहां से बाय भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी प्रोसेसर यानी कि CPU वगैरह सब कुछ वही है जो पिछले i5 में आपने देखा, RAM वही है, 1TB 7200 RPM हार्ड डिस्क भी है और
इसके अंदर भी विंडोज 10 होम आपको इंस्टॉल्ड मिलेगा, वारंटी 3 ईयर की मिलेगी। तो अगर i5 आपको 24 इंच यानी बड़ी स्क्रीन में लेना है तो आप इसे बाय करें 68,600 विथ ग्राफिक। अगर आपको गेम वगैरह भी खेलना है या फिर हैवी ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह करना है, लेटेस्ट हैवी से हैवी कोरल ड्रा फोटोशॉप चलाते हैं, बड़ी बड़ी डिजाइनिंग्स करते हैं, तो आपके लिए ये पीसी बेहतर हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं i7 पीसी के बारे में। तो ये i7 चूंकि थोड़ा सा स्पेशल है, थोड़ा सा कॉस्टली है, वो क्यों है वो आप यहां पर देख सकते हैं। 24 इंच स्क्रीन में 2GB ग्राफिक है और i7 7700T 2.9 GHz का CPU लगा हुआ है और इसके अंदर 16GB रैम है DDR4 का और 2TB हार्ड ड्राइव है। आप ये देख सकते हैं काफी बेहतर पीसी साबित हो सकता है अगर आप i7 लेना चाहते हैं और ग्राफिक डिजाइन हो सकता है, मैरिज वीडियोज वगैरह मिक्सिंग वगैरह का अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए ये पीसी बहुत ही बेहतर हो सकता है। 24 इंच जो कि बड़ी स्क्रीन भी है, आपको बड़ी स्क्रीन का भी टेंशन नहीं है, लेकिन ये आपको पड़ेगा 1,12,000 रुपए का। तो अगर आप गेमिंग वगैरह के लिए या फिर मिक्सिंग वगैरह के लिए एक हैवी पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो आप सारे झंझटों से मुक्त होकर के, क्योंकि जो नॉर्मल डेस्कटॉप सीपीयू होता है उसके अंदर बहुत सारी वायर्स वगैरह की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम्स रहा करती है और ये जो है सारा कुछ कनेक्टिविटी आपके आंखों के सामने होगा, यानी कि USB वगैरह सब कुछ लेकर के सब कुछ जो है आपके मॉनिटर्स में होता है, इसलिए काफ़ी बेहतर ये महसूस होता है यूज़ करते वक्त, आप बिल्कुल जो है अपने आप को फ्री महसूस करते हैं। तो आप जो है अगर थोड़ा सा हाई एंड गेमिंग वगैरह के लिए लेना चाहते हैं, हाई एंड कंप्यूटर लेना चाहते हैं तो आप ये कंप्यूटर ले सकते हैं। उसके बाद i7 में ही हम बात करेंगे, i7 7700T 2.9 GHz प्रोसेसर भी है, 16GB DDR4 वही लगा हुआ है बिल्कुल भी, रैम 2TB हार्ड ड्राइव इसके अंदर भी लगी हुई है। इसका प्राइस जो है 1,35,000 है। अब हम जान लेते हैं कि एक्चुअली इसमें स्पेशल क्या है। तो इसके अंदर स्पेशल ये है कि 27 इंच का स्क्रीन मिलता है, ये कि बहुत बड़ा कंप्यूटर मिलता है और सब कुछ कुछ भी अलग से लगाने की झंझट नहीं है, जैसे ऑल इन वन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं लगातार। और बहुत ही बड़ा कंप्यूटर डेस्कटॉप पर रखा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन में, बहुत ही खूबसूरत लुक में ये नज़र आता है। और इसके अंदर खास बात जैसे कि मैंने बताया 27 इंच स्क्रीन है और 4GB ग्राफिक कार्ड इसके अंदर लगा हुआ है। सबसे बड़ा स्पेशल ये है कि इसके अंदर SSD 128GB M.2 मिल रही है, जिसके अंदर आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं और जितने भी आप जो है एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं, सब कुछ इसके अंदर आप इंस्टॉल करेंगे तो आपका पीसी बहुत ही फास्ट होगा, एक अल्ट्रा फास्ट इसके अंदर स्पीड आपको मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ हाई एंड मिल रहा है। i7 16GB 2TB जो है सेकेंड स्टोरेज मिल रहा है, वो भी एनफ है अगर कोई भी वर्क करते हैं आप तो। अगर मिक्सिंग वगैरह करना है, बहुत ही हाई एंड गेम वगैरह आपको प्ले करना है तो आप ये पीसी बाय कर सकते हैं, आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शंस ये हो सकता है। तो दोस्तों ये थे HP में ऑल इन वन कंप्यूटर्स में, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप जो है फ्यूचर में या फिर अभी ऑल इन वन पीसी बाय करना चाहते हैं या फिर एक पीसी बिल्ड कराने का अगर आप जो है प्लान कर रहे हैं तो आप अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर होगा। तो आप इनमें से जो भी अपने बजट के हिसाब से और अपने वर्क के हिसाब से आप सेलेक्ट करना चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका प्राइसेस वगैरह सब कुछ मैंने बता दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और ये वीडियो कैसा लगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हर यंग जनरेशन की ज़रूरत है कंप्यूटर के बारे में जाने, टेक्नोलॉजी के बारे में जाने। तो जब ही ये हर यंग जनरेशन तक पहुंचेगा, जब आप अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने फेसबुक ग्रुप में शेयर करते रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।